यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट शेयर्स के बारे में जिसका प्रॉफिट काफी इंक्रीज हुआ है। अगले वीडियो में हम अगले दिन बात करेंगे जो कंपनी लॉस मेकिंग है, मतलब इस क्वार्टर में जिस कंपनी को लॉस हुआ है, तो इसमें कुछ हम शेयर को चुन करके लाए हैं आपके लिए जिसको प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी में। तो जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने मिलता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी प्रॉफिट पेश की है लेकिन वो मार्केट के एस्टीमेट को बीट नहीं किया, तो वो कंपनी के शेयर प्राइस में आपको गिरावट भी देखने मिलेगा। या ऑपरेटर का खेल भी हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ है आपको पहले स्टॉक को गिराएगा। अगर आपने उस स्टॉक में पहले ले रखा है माल शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, आप पैनिक होकर के बेच देंगे, फिर स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इस तरह का मार्केट में सेंटिमेंट होता है। तो जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपका कन्विक्शन उसमें स्ट्रांग है, तो अगर आपने बाय किया है तो उसमें बने रहिए। तो वीडियो में हम उन सब शेयर को बताने से पहले बता दें, जोमेटो का आईपीओ में जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, मतलब जिन्होंने भी अप्लाई किया है, वो अपना अलॉटमेंट bseindia.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप DPID डालेंगे या पैन कार्ड डाल करके अपना नाम डाल करके चेक कर सकते हैं। तो BSE India पर जाकर के आप इक्विटी सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। जोमेटो का जो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम है आज बढ़कर के हो गया 23 रुपीज़। यहाँ देखिए प्रीमियम 23 रुपीज़ हो गया, पिछले दिन 21 रुपीज़ था, आज 23 हो गया। तो इस तरह से अगर इसका हाईएस्ट प्राइस बात करें, इसके 76 रुपीज़ था इसका अपर प्राइस, तो 76 + 23 ऐड कर दीजिए तो लगभग 99 रुपीज़ हो चुका है, मतलब 100 रुपीज़ अभी जो है ग्रे मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है। तो प्रीमियम 23 रुपीज़ है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ हो सकता है कि आपको 50% या 50% से अधिक का लिस्टिंग गेन प्राप्त हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है जिन्होंने भी अप्लाई किया। जल्दी IPO मिलता नहीं है तो इसलिए अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम से। उसके बाद दूसरा जो न्यूज है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक अनाउंस किया, मतलब अपना जो इनिशियल प्लान है डिलिस्ट करने का वो इनिशिएट कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक डिलिस्ट हो सकता है अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पर ऑल कार्गो का देख सकते हैं, अभी आज काफ़ी तेजी देखने मिला, 167 रुपीज़ अभी करेंट प्राइस है और ये स्टॉक भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को जिन्होंने भी गिरावट में इन्वेस्ट किया था। 50 रुपीज़ उस समय करेंट प्राइस था। अगर चार्ट की बात करें तो कंपनी का चार्ट अच्छा खासा है, देखिए हर गिरावट में अगर आप बाय करते तो काफ़ी बेहतरीन मौका दिया है इस स्टॉक ने, और ये स्टॉक डिलिस्ट होने जा रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर स्टॉक में हो सकता है तेज़ी आ सकता है और ये स्टॉक अपना जो हाई है 226 रुपीज़ का वहाँ तक जा सकता है। तो आप अगर आप डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्टॉक में गिरावट भी दिखाए तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा 122 रुपीज़ का होगा। तो 120 रुपीज़ के नीचे, मतलब 122 रुपीज़ इसका सपोर्ट आ रहा है, तो यहां से 120 के नीचे क्लोजिंग होता है तो स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। ऐसे कम उम्मीद है कि स्टॉक में गिरावट देखने मिलेगा। तो डिलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ है तो हो सकता है यहाँ पर तेजी देखने मिले। आप एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग में कई सारे हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि क्या हमें अभी बाय करना चाहिए। देखिए अभी फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में नहीं है, जब स्टॉक में कोई गिरावट होती है तब हम फ्रेश बाय करते हैं। देखिए ये जिस बिजनेस में है वो बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो नए लोग हैं वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में गिरावट आ सकती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो गिरावट में बाय करना चाहिए। जब ये यहाँ पर 300 के आसपास था वहाँ पर बाय करते तो अभी 300 का प्रॉफिट आपको होता। मैंने कई बार पीछे भी वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तभी बाय करेंगे जब ये गिरावट में मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में गिरावट ही हो सकती है, क्योंकि अगर जीरोधा का स्टॉक रहता तो बाय कर सकते थे, सेक्टर लीडर है जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर में। ये ब्रोकरेज का जो सेक्टर है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और अभी जो लॉकडाउन में पैंडमिक है तो कई सारे बिजनेस प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये ब्रोकर का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर सारे ब्रोकर आप देखेंगे कि प्रॉफिट बढ़ा है, तो जो कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है डिक्रीज भी देखने मिले, तो यहाँ शेयर प्राइस में आपको करेक्शन भी देखने मिल सकता है, या यहाँ से ब्रेकआउट देता है अगर ये 1500 के ऊपर निकलता है तो आप 2000 के प्राइस के लिए बाय कर सकते हैं।
देखिए ब्रेकआउट पे भी बाय करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट होता है तो फिर से हो सकता है ये प्राइस आपको देखने ना मिले जो यहाँ पर देखने मिला है। यहाँ देखिए गजब का तेजी 20% का देखने मिला था रिजल्ट के बाद, फिर से इसमें गिरावट भी उतना ही ज्यादा हुआ। दो दिन तेजी रहा, तीसरे दिन यहाँ पर गिरावट भी देखने मिला। तो अभी देखिए ये स्टॉक किस तरह ऊपर का मोमेंटम दिखाता है, तो ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है यहाँ पे ये साइडवेज हो जाए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है एशियन पेंट, एशियन पेंट का भी जो रिजल्ट है काफी जबरदस्त रहा और एक ही दिन में ये लगभग 160 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया। तो इस स्टॉक में भी एवरी डीप पे बाय है। देखिए ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि हर गिरावट में आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए जहां पे भी ये गिरावट मिला ये एक अपॉर्चुनिटी था। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गिरावट कब होगा, जब ये 2900 के नीचे अगर ये आता है तो समझिए इसमें गिरावट हो रहा है। तो वहां पर जैसे ये जहां पर सपोर्ट बनाए वहां पर बाय करना चालू कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए यहां से रिवर्सल होना चालू किया, यहां पर 2250 रुपीज से रिवर्सल शुरू किया तो यहां पर आप बाय कर सकते थे। और कभी भी ये स्टॉक फिर देखिए पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऊपर चलता ही चला गया। तो ये स्टॉक में जो गिरावट होता है, एशियन पेंट हो गया, पेटलाइट हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब गिरावट में आपको मौका देता है। साथ ही साथ टाइटन हो गया, HUL हो गया, TCS हो गया, ये सब स्टॉक गिरावट में मिल गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा जिस प्राइस पे ये अभी मिल रहा है। जैसे यहाँ गिरावट हुआ फिर यहाँ से रिकवरी होगा तो फिर आपको उस प्राइस पे ये स्टॉक कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए गिरावट में बाय करते रहिए इस स्टॉक को। उसके बाद आते हैं IDFC, इसका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है और ये स्टॉक भी हमने काफ़ी पहले समय से, जब ये 20 रुपीज का था उसी समय से वीडियो बनाया था पिछले साल से 2020 से कि आप इसको बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक की। साथ ही साथ कंपनी का अपना कई सारा बिजनेस है, म्यूचुअल फंड भी है और यहाँ पर देख लीजिए ये लगभग 4 टाइम्स का रिटर्न दिया है। तो जिन्होंने भी इसमें बाइंग किया था काफ़ी अच्छा रिटर्न उनको मिला है। देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो मार्केट गिरता है तो ये सारे स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो स्टॉक है मिड कैप स्टॉक है तो इसमें जो मार्केट में गिरावट होती काफ़ी ज़्यादा गिरावट ही होती। लेकिन अभी कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, देखिए ये ट्रेंड लाइन है तो अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें आपको ये 70 रुपीज़ तक जा सकता है। दूसरा जो टारगेट होगा 90 रुपीज़, अगर 90 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो 100 रुपीज़ एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा इसका। उसके बाद जो अगला स्टॉक है क्रिसिल, तो देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ से पकड़ा है। लगभग ये 1900 से लगभग डायरेक्ट ये 3000 जा चुका है। तो ये स्टॉक को अभी बाय करना ही नहीं है, अभी प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है यहाँ से तेजी दिखाए, लेकिन अभी बाय नहीं करना है, इसमें गिरावट होने दीजिए। अगर कभी भी गिरावट में 2600 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा नीचे आना तो इस स्टॉक का संभव नहीं है क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है। अगर यहाँ पर करेक्शन दिखाता है 2500 के आसपास तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन गिरावट में जब आप बाय करेंगे तभी। उसके बाद जो न्यू लिस्टेड कंपनी है ग्लेन फार्मा, इसका भी जो है प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस स्टॉक का भी देखिए चार्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, जहाँ से ये स्टॉक लिस्ट हुआ वहाँ से ऊपर ही चलता चला गया। देखिए 1683 रुपये यहाँ से स्टॉक ऊपर ही चलता गया और लगभग देख सकते हैं कि ये लगभग 150% तक का रिटर्न दे चुका है जिन्होंने लिस्टिंग के बाद भी इसे खरीदा। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है ये भी। उसके बाद जुबिलेंट फूड, ये तो स्टॉक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए, निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। तो उस समय ये स्टॉक लगभग जो है 3000 के आसपास था तो वहाँ से 400 का रिटर्न दे रहा होगा आपको। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, मैंने भी इसको बाय कर रखा है जब वीडियो बनाया था उसी समय, तो अच्छा खासा रिटर्न ये एक ही दिन में, मतलब समझिए 10% का रिटर्न दे दिया एक ही दिन में। तो जिन्होंने भी बाय करके रखा अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल रहा होगा। उसके बाद जो एक नया स्टॉक है, देखिए ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इसको बाय कर सकते हैं जब भी गिरावट मिले। सुप्रीम इंडस्ट्री, इसका भी प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देखिए या तो आप एस्ट्रेल को बाय कर लीजिए या सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को बाय कर लीजिए, दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं कोई किसी एक को बाय कर सकते हैं क्योंकि एक ही सेक्टर से एक ही स्टॉक रखना है। एस्ट्रेल सेक्टर लीडर है तो ये उसको फॉलो करने वाला स्टॉक है। तो दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इसको चाहें तो कभी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, थोड़ा बहुत गिरावट दिखाया लेकिन रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर तेजी भी दिखा सकता है। लेकिन अगर गिरावट होता है तो आप को बाय करना चाहिए स्टॉक, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन स्टॉक है, काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। वहीं एक वीडियो मैंने कल बनाया था DCM श्रीराम, ये भी काफी बेहतरीन डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाला स्टॉक है। और ये स्टॉक देखिए हाई बनाया था 1200 का, वहां से काफी
कुछ गिरावट दिखाया है और इस कंपनी का भी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज देखने मिला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये स्टॉक 770 के आसपास आता है तो आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट होगा। देखिए, चार्ट पे देखना स्टॉक को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया, ITC के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ITC आज तक 5 साल में हर इन्वेस्टर को लॉस दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है। तो इसलिए सिर्फ फंडामेंटल देखने से नहीं होगा, ITC के फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे बिजनेस में वो सेक्टर का लीडर स्टॉक है। ऐसे कई सारे स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, हर गिरावट के बाद बाउंस बैक किया है, तो यहाँ से गिरावट दिखाता है तो आपको बाय करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ये कभी ब्रेक नहीं करेगा जब तक मार्केट क्रेश ना हो, वो है 630 को ये ब्रेक अप करने वाला स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखाया, फिर से यहाँ बाउंस बैक करेगा। अगर कोई कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है तो गिरावट दिखा सकता है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक थे जिसका कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में अपने हर गिरावट में पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।